देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तरफकाजी गांव में खाना खाकर पति पत्नी बच्चे के साथ सो रहे थे कि अचानक शनिवार की रात 12 बजे के करीब 25 वर्षीय पूजा पत्नी अमित की नींद खुली तो उसने देखा कि सांप लटक रहा है। उसने बच्चे और पति को बचाने के प्रयास में पति को धक्का देकर जगाया तो पति अमित बच्चा लेकर वहां से हट ही रहा था, तब तक पत्नी के ऊपर सर्प गिर गया और घुटने के ऊपर उसने दंश मार दिया। आनन फानन में उसे लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज गए। वहां से उसे गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिए जाने के बाद उसे खरिहानी ले जाया गया। वहां से भी परिजन संतुष्ट न होने के बाद उसे जौनपुर लेकर चले गए। वहां महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के एक पुत्र 1 वर्षीय रौनक है। परिजन जौनपुर से शव लेकर घर के लिए आ रहे हैं। उधर ग्राम प्रधान संजय चौहान ने इसकी सूचना लेखपाल प्रवीण सिंह आदि को दे दी है। बताया जा रहा है कि सर्प घर में कम से कम 5 से 6 घंटे तक उसी हालत में पड़ा रहा। ग्रामीणों ने भयवश उसे मार दिया कि कहीं यह और लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। थानाध्यक्ष सरायमीर विवेक पांडे अपने हमराहियों के साथ संजरपुर से किरियारी जाने वाले मार्ग पर खुटहन पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही लाल रंग की मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर मुड़कर भागने का प्रयास किया। भागने के फिराक में वह अनियंत्रित होकर गिर गया। पुलिस द्वारा जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो उसने थानाध्यक्ष सरायमीर को लक्ष्य करके फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त की पहचान आलोक पांडे पुत्र जितेंद्र कुमार पांडे निवासी चकिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। अभियुक्त के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस और पूर्व में लूट के मुकदमे से संबंधित डीएल आधार कार्ड एटीएम एनपीएस कार्ड और लूट का पैसा बरामद किया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है जो लूट का काम करता है और अतरौलिया गंभीरपुर कप्तानगंज सरायमीर तथा जनपद अंबेडकर नगर में लूट कर चुके हैं। आज भी लूट करने के उद्देश्य से रेकी कर रहे थे। विदित हो कि 17 सितंबर को आशुतोष सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी अमिलिया थाना गंभीरपुर ने थाने में तहरीर दिया कि आजमगढ़ से ऑफिस का काम करके लौटते समय ईशान पब्लिक स्कूल के पास से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर एक टैबलेट एक मोबाइल और 1,000 रुपया छीन लिया। दूसरी घटना में 18 सितंबर को चंद्रजीत यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी धनघटा थाना अतरौलिया ने स्थानीय थाने में सूचना दी कि बाइक सवार 4 बदमाशों द्वारा उसे ओवरटेक करके 9,700 रुपया लूट लिया गया। एक मोबाइल और आधार कार्ड पैन कार्ड भी छीन लिया गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी। वहीं 18 सितंबर को अजय कुमार उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय रामनवल उपाध्याय निवासी नवली थाना कप्तानगंज द्वारा थाना कप्तानगंज में सूचना दी गई कि अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहा दिखाकर 8,000 रुपया नगद मोबाइल छीन लिया गया। एक अन्य घटना के अनुसार 20 सितंबर को राकेश कुमार संतलाल निवासी मुइया मखदूमपुर थाना निजामाबाद ने स्थानीय थाने में सूचना देकर आरोप लगाया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचे के बल पर 2,200 रुपया पैन कार्ड आधार कार्ड एनपीएस कार्ड छीनकर भाग गए। वहीं 21 सितंबर को जुल्फिकार अहमद पुत्र महाबुद्ध बख्श निवासी लालगंज ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने असलहे के बल पर 20,000 रुपया मोबाइल और एटीएम कार्ड छीनकर भाग गए थे। आज दिनांक 25/9/22 को थानाध्यक्ष सरायमीर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम के दृष्टिगत संजरपुर में खुटहन पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी तो सामने से एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई पड़ा। जब पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो हड़बड़ाकर मुड़कर भागना चाहा। हड़बड़ाहट में उसकी मोटरसाइकिल गिर गई तथा गिरते ही उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का आत्मरक्षार्थ प्रयोग करते हुए जवाबी फायर किया जिसमें पुलिस इंगेजमेंट में उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति थाना सरायमीर में पूर्व में दिनांक 20/9/22 को घटित घटना जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 207/22 धारा 392 IPC लिखा गया था में सम्मिलित रहा था।
उक्त व्यक्ति का नाम आलोक पांडे पुत्र जितेंद्र पांडे निवासी चकिया थाना रानी की सराय ज्ञात हुआ तथा उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल हीरो अचीवर बिना नंबर प्लेट की तथा 20 नौको लूट की घटना में लूटे गए डीएल, आधार कार्ड, एनपीएस कार्ड, 2 एटीएम कार्ड तथा 370 रुपया भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में यही बात प्रकाश में आई है कि इन लोगों का एक गैंग है जो पूर्व में गंभीरपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज तथा निजामाबाद क्षेत्र में घटनाएं कर चुका है। अधिक पूछताछ की जा रही है। घटना में जो भी लोग अन्य लोग प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के संबंध में थाना सरायमी पर मुकदमा अपराध संख्या 209/22, धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के चाकीडीह ग्राम सभा के जमुनीपुर में स्थित शिवबाला शंकर भगवान के मंदिर से चोरों ने ताला तोड़कर छोटी बड़ी 40 घंटी चुरा लिए और फरार हो गए। मंदिर के पुजारी सग्गल यादव के अनुसार आज रविवार को वह पूजा करने पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ देखकर वो अवाक रह गए। छोटी बड़ी कुल 40 घंटी गायब थी। सूचना देने पर मौके पर डायल 112 पुलिस और SO मेहनाजपुर ने पहुंचकर मामले की जानकारी प्राप्त की और जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार घंटी की कीमत हजारों रुपए में बताई जा रही है। बाबा, ये मंदिर पे कब पता चला कि आपको चोरी हुई है? 4 बजे हम गई ली। हाँ। तो वहाँ देख ली तो कुल एकदम सुन कुल घंटी घंटा कुल कट गया। हाँ। जब वहाँ अकेला हम अपन पूजा पाठ में अपन धो धावा लगली तब सब जुटल। हाँ। जब 5 बजे के टाइम में तब वो फोन भल मेहनाजपुर। हाँ। तब वह पुलिस दरोगा लोग आएंगे। कितना घंटी बाबा को रहा ली? अब कुल मिला के वह कुछ छोट बड़ी 40 छ रहे। लगभग बताओ, यहाँ पे ग्रामीण लोग बता रहे थे लगभग 10,000 रुपए का लगभग नुकसान हुआ है। हाँ, चल ठीक। लालगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धूमधाम से मनाई गई जयंती। लालगंज नगर पंचायत की सिविल लाइंस बूथ पर और मनोनीत सभासद गौरव कुमार रघुवंशी के आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल और सत्यप्रिय सिंह ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल राज गुप्त ने कहा कि उन्होंने बराबर दरिद्र नारायण का उपासना किया, अर्थात शोषित वंचित शुरू से मृत्यु तक हमेशा देश के लिए रेल से सफर किया। अंतिम समय में रेलवे स्टेशन के किनारे उनका पार्थिव शरीर पाया गया। उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था। कोरोना काल रहा हो चाहे किसी भी परिस्थिति में गरीब की मदद हो रही है। वर्षों पूर्व एकात्म मानववाद के तहत अंतिम व्यक्ति तक छत, राशन सहित सारी सुविधाएं पहुँचाने का सपना था, जो सपना अब साकार हो रहा है। ऐसे मनीषी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मनोनीत सभासद गौरव कुमार रघुवंशी, सत्यप्रिय सिंह, अनिल राज गुप्त, दिनेश यादव, सहादुर सोनकर, सुशील यादव, पवन सिंह, गिरजा शंकर सिंह, पीयूष पांडे, कृष्णा सोनकर, पारस सोनकर, प्रशांत गुप्ता, अमित साहू, सोनू सहित अन्य नगरवासी मौजूद रहे। इसी क्रम में नगर के लोहिया नगर मोहल्ले में जितेंद्र चौरसिया के आवास पर सभासद गौरव कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित करके जयंती मनाई गई। इसी क्रम में भाजपा मंडल लालगंज में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई तथा मन की बात कार्यक्रम का ग्राम मेहरो कला में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में BJP मंडल उपाध्यक्ष और मंडल कार्यक्रम संयोजक विशाल राय रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश राजभर ने की। इस मौके पर बूथ अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी, मंडल मंत्री अनिल चौहान, हर्ष पांडे, अभिषेक तिवारी, प्रद्युम्न राय, अच्छे लाल राजभर, विनोद राजभर, मुन्ना राजभर, भागीरथी राजभर, पप्पू राजभर व्यवहारा तथा संदीप उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा आनंद राय ने कहा, अंत्योदय का प्रण लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ही प्रेरित है। उन्होंने ही गाँव के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के बारे में सोचा जिसकी प्रतिपूर्ति आज हो रही है। उन्होंने गरीबी देखी और
गरीबों के बारे में इनकी जो भी आप किताबें देखेंगे, इनके जो भी जीवन के सूत्र आप देखेंगे, वह गरीबों के बारे में ही इन्होंने लिखा कि गरीब व्यक्ति जो है किस तरह उसका उत्थान, बिना गरीबों के उत्थान के देश का उत्थान नहीं हो सकता। और हमें बड़ा ही हर्ष होता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय मुख्यमंत्री जी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे गांव का या किसी गांव का एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मेरे पास भोजन के लिए अन्न नहीं। व्यवस्था उन्होंने की है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं कि व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अगर एक व्यक्ति अगर जाके कह दे कि मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, अगर तहसीलदार तहसील में जाके SDM और तहसीलदार के यहाँ उस गांव का लेखपाल, उस गांव का सेक्रेटरी, उस गांव का कोटेदार तक तुरंत निलंबित हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इतनी महामारी आई थी कोविड, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसमें भी कोई यह नहीं कर, कोई काम पर नहीं गया, पूरा लॉकडाउन था, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं।